بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء अल्लाह रब्बुल इज्जत के लारैब कलाम से सूरत का चंद अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह पाक ने फरमाया, शहर रमजान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमजान शरीफ का बाबरकत वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह का लाख शुक्र है जिसने एक बार फिर हमें इस अजीम शान प्रोग्राम में बैठने की तौफीक अता फरमाई। निहायत अदब के साथ और तवज्जो के साथ आज का दर्स पाक समाप्त। आज के दर्स पाक में जो मैंने कुरान शरीफ की आयत पाक का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत करने का अजीम शरफ हासिल किया है और आपने सुनने का शरफ हासिल किया है, इस आयत में अल्लाह ताला ने दो मेहमानों का जिक्र किया। शहर रमादान एक मेहमान हो गया, अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन दो मेहमान। रमजान और महमा, रमजान और कुरआन, ये बने दो मेहमान और भेजने वाला है रहमान। उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन आज का जो है बयान वो है मुतअल्लक रमजान। मेहमान जो आने वाला है इसकी जरा आज शानो शौकत आपने तवज्जो के साथ सुननी है और शुक्र अदा करना है मेरे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब शाबान शरीफ के रोजे रखते थे तो यूं भी बयान फरमाते थे, ऐ मौला बल्लिगना अब रमजान, मौला रमजान तक पहुंचने की भी तौफीक अता। तो ये तो आप ही करनी चाहिए। अगर किसी के घर मेहमान आ जाए तो वो घर वाले इस्तेमाल करते,
अगर किसी के घर मेहमान आ जाए तो वो घर वाले इस्तकबाल करते हैं, और बाज मेहमान ऐसे होते हैं जो पूरी आबादी की तरफ से आते हैं, पूरे गांव वाले इस्तकबाल करते हैं। आज अगर हमारे गांव में एमपी आ जाए तो जाहिर बात है गांव के सारे जो बड़े हैं वो गांव की तरफ से रहनुमाई करते हैं, उसका इस्तकबाल करें। और अगर एक इलाके की तरफ से कोई बड़ा वजीर आ जाए तो वो पूरा शहर उसका इस्तकबाल करता है। सल्तनत के लिए दूसरी सल्तनत का मेहमान आता है तो वो पूरी सल्तनत के जो बड़े हैं वो उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन आज मैं ऐसी बात बताने लगा हूँ, अगर मेहमान आए अल्लाह की तरफ से और उस मेहमान का नाम हो रमजान और आए मुसलमानों की तरफ और भेजने वाला खुदा हो, ऐसे मेहमान के इस्तकबाल के लिए अल्लाह ताला उम्मत मुस्तफा को तौफीक अता फरमाए। इतना बड़ा मेहमान, इतनी बड़ी शान वाला मेहमान तशरीफ लेके आ रहा है, किसी ने दरवाजा बंद नहीं करना आने बहाने से। ये रमजान का जो मेहमान महीना अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है, अरे ये तौफीक अल्लाह ने उम्मते मुहम्मदिया को अता फरमाई हुई है, इसका इस्तकबाल करना है। अगली बात बड़ी ईमान फरोज हजरात के साथ सुनिए। जब भी कोई मेहमान आता है तो अपने हस्बे तौफीक घर वालों के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता है। ये तो मेरे मौला कायनात का फरमान आली शान भी है कि जब घर जाए तो, बल्कि सरकार का फरमान भी है, जब किसी के घर जाओ अपने घर आओ तो तोहफा लेके जाया करो, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। तो सामने किराम जब किसी के घर के मेहमान आता है तो वो अगलों के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता है। तो सामने किराम मैं अपने हस्बे तौफीक अपने घर वालों के लिए कोई फल ले लिया, कोई माल्टा ले लिया, कोई सेब ले लिया, और अगर कोई मुझसे कोई बड़ा मेहमान है तो वो हमारे गांव में जब आता है तो वो गांव वालों के लिए कभी सोलन का तोहफा लेके आता है, कभी गैस का तोहफा लेके आता है, कभी नालियों का तोहफा लेके आता है, कोई ना कोई मेहमान जरूर तोहफा लेकर आता है। अल्लाह ताला ने जब मेहमान बनाया रमजान को और इस्तकबाल किया मुसलमान ने, अल्लाह ताला ने इस रमजान को भी मुसलमानों के लिए एक तोहफा देकर भेजा हुआ है। वो तोहफा कौन सा है, जरा तवज्जो के साथ आपने समाज फरमाना है। रमजान हर मेहमान अपना तोहफा हस्बे तौफीक लेकर आता है, और जब माहे रमजान आता है माहे रमजान ने पुकार के कहा, ए मुसलमानों वो मेरा इस्तकबाल को करके देखो, जो मैंने आपको तोहफा देना है उससे अल्लाह ताला की मुलाकात कहते हैं। برادر اسکر حضرت قبلہ پیر سید جواد محمدین شاہ صاحب تشریف لائے، دل کی عطا کرائیں اسے خوش آمدید۔ رمضان ہمارے لیے تحفہ اللہ کی ملاقات کا لے کے آیا، اللہ کی ملاقات کوئی چھوٹا تحفہ نہیں ہے۔ سنیے میرے سرکار کا فرمان عالی شان، بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر ہے 5927، میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، اللہ تعالی روزہ رکھنے والے کو دو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کو دو خوشیاں عطا فرماتا ہے، فرمایا فرحت عند فطره، ایک تو خوشی اس وقت ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جب میرا بندہ روزہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا عند لقاء ربه، دوسری اس کو خوشی تب ہوگی جب روزہ بھیجنے والا اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔
तो हर मेहमान अपनी हसीयत के मुताबिक तोहफा लेके आता है। ओए उम्मते मुहम्मदिया, अल्लाह का तुझ पर कितना करम है, आने वाला मेहमान अल्लाह की मुलाकात लेके आता है, अल्लाह की मुलाकात लेके आता है। हदीस पाक में है, जब बंदा रहमत के साथ किसी बंदे की तरफ देख लेता है, 70 रहमतें अल्लाह ताला 70 नजर रहमत की बंदे की तरफ देखता है, तो जो सबसे छोटा तोहफा है वो अल्लाह ताला बंदे की बख्शिश अता फरमाता है। ये सबसे छोटा तोहफा अब है कि अल्लाह की रहमत का हिसाब करने वाला के बड़ा तोहफा की तरफ होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, या मौला करीम तेरा शुक्र है तूने हमें माहे सयाम के इस्तकबाल का दरसे कुरान सुनने की तौफीक अता अल्लाह। एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको सुनाने की सआदत हासिल करने लगा। जब मेहमान आता है तो आपका ये इस पर ज्यादा तजर्बा है कि उसकी हसीयत के मुताबिक उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। अगर हमारा एमपीए एमएनए आए तो हम उसके लिए पत्तियां, फूल की पत्तियां और हार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारा वजीर आजम हमारे गांव में आ जाए, हमारे मुल्क में, शहर में आ जाए, तो क्या होता है उसके प्रोटोकॉल के लिए, तवज्जो से जरा बात सुनिए, उसके इस्तकबाल के लिए कहा जाता है ये बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है, फला रास्ते बंद कर दो और सिर्फ फला फला रास्ते खोले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है, ये रास्ते बाज रास्ते बंद किए जा रहे हैं और बाज को ट्रैक के मुताबिक ही रास्ते खोले जाते हैं, बाकी लोगों को रोक दिया जाता है, यहाँ से बहुत बड़े मेहमान गुजरने वाले हैं। अरे जब दुनिया के मेहमान आते हैं हम बाज रास्ते रोक देते हैं और बाज रास्ते खोल देते हैं, यहाँ से वजीर आजम ने गुजरना है, यहाँ से सदर पाकिस्तान ने गुजरना है। अरे आइए आज मैं एक अजीब इस्तकबाल की आपको बात सुनाने लगा हूँ, और इस इस्तकबाल का मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में जिक्र फरमाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये इस्तकबाल का अंदाज बयान फरमाया है। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, दोजख के सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दीजिए। अल्लाह से पूछा जाता है, या इलाहुल आलमीन, ये इस्तकबाल किसके लिए हो रहा है? अल्लाह फरमाता है, मेरा मेहमान आ रहा है जिसका नाम रमजान मुबारक है। बोलिए नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली। तकबीर भी खुद ही करनी है और नारे भी खुद मारने हैं, इतने आशिक बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको इतना प्यारा सुकून अता फरमाए, आमीन। तो सब बैठ के रहना। सामने किराम तवज्जो फरमाए, अपने तौफीक के मुताबिक मेहमान का इस्तकबाल होता है, आने वाले मेहमान की हैसियत के मुताबिक उसको बिठाते होते हैं, या मसाला बिछाएं उनका इस्तकबाल करें। ये कैसा आप तो एक बंदा क्या कुछ करेगा, आप खुद तवज्जो करें। तो सामने किराम तवज्जो फरमाएं, जब मेहमान आता है, वजीर आजम आता है, सदर पाकिस्तान आता है, उसका ट्रैक का शेड्यूल होता है, ये रास्ते बंद करने हैं, ये रास्ते खोलने हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, अबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, अरे दोजख के सारे दिए जाए, जन्नत के सारे रास्ते खोल दिए जाए, मौला ये किसका इस्तकबाल हो रहा है? फरमाया, मेरा मेहमान तशरीफ लेके आ रहा है, उस मेहमान का नाम है रमजान मुबारक। ये वो रमजान का इस्तकबाल अल्लाह ताला फरमा रहा है। अल्लाह यहाँ पर एक और बात समाज फरमाए, सुभान सूरह जुमर है, कुरान पाक में एक सूरह जुमर, इसे आपने अभी तो दसे पाक सुने, बाद में जरा इसके स्टडी करके देखे, बड़ा ईमान ताजा होगा। क्यामत का दिन होगा, कौन सा दिन होगा? क्यामत का दिन होगा, वहां अल्लाह ताला लोगों के अमाल नामे तोलेगा, हिसाबो किताब करेगा,
वहां रोजादार भी होंगे, वहां नमाजी भी होंगे, वहां हाजी भी होंगे, वहां चोर भी होंगे, वहां लुचटके भी होंगे, और वहां तौबा करने वाले भी होंगे, वहां जालिमीन भी होगा। आइए अल्लाह ताला की रिजा के लिए सोने वालों जो भूखे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, शाम तक ऐसी कोई चीज नहीं करनी जैसे टूट जाता है, जिसके साथ रोजा टूट जाता है, उन चीजों से मैंने बचना है, ये एहतिमाम करता है एंड सफर के साथ बैठा हुआ है। आइए मैं आपको एक बड़ा अजीब और कमाल का नुक्ता बयान करने लगा हूँ। सूरह जुमर में ये आयत पाक लिखी हुई है, जब नमाजी सामने आएगा अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों इसका हिसाब किताब पूरा करो, अगर इससे नमाजें पूरी हैं इसको जन्नत में जाने दो। बास ऐसे कर्म वाले और बरकतों वाले भी होंगे, अगर ताना कास्ता को नमाज काट हो भी गई अल्लाह फरमाएगा नफल पूरे करके जन्नत भेज दियो, हिसाबो किताब होगा, कारी कुरान आ जाएगा, इसने तिलावत की है इसका फलाफला दर्जा दिया जाए, इसका फलाफला दर्जा वहां कारी कुरान को भेजा जाएगा, आगे चला जाए। हाजी आ जाए, हाजी का हिसाबो किताब पूरा करो, इसका हिसाब होगा, नमाज का हिसाब होगा, और बाकी ज़कात का हिसाब होगा, दुनियादारी का हिसाब होगा, जितने भी दुनिया में काम किए हर एक का हिसाब होगा, हर एक का हिसाब होगा, तवज्जो कीजिए जरा, हर एक का हिसाब होगा, जितने भी अमल करके आया हर एक का हिसाब होगा। लेकिन जब सामने रोजादार आएगा, अल्लाह के लिए सब्र करने वाला तशरीफ लेकर आएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा सूरह जुमर में फरमाया इन्नमा युवफ्फा अस्साबिरूना अजरहुम बगैर हिसाब, अल्लाह फरमाएगा जब रोजादार आ जाएगा अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों हिसाब किताब ना लो, बगैर हिसाब देने तथा फरमा खुशखबरी अता फरमाई हुई है। अल्लाह अकबर, मुहाजिरीन कल कयामत के दिन वो सहाबा किराम जो हिजरत करके नाम कमावे कमाई कर गए, मुहाजिरीन का जिक्र सुन कयामत के दिन जब जन्नत के दरवाजे फरिश्तों से कहेंगे ए फरिश्तों हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खोलो, वो कहेंगे आप कौन हैं, वो फरिश्ते कहेंगे अब हमें भी पूछा जा रहा है, हम तो हुजूर की खातिर मुहाजिर बने, हम तो हुजूर की खातर हिजरत करने वाले बने, हम तो हुजूर की खातर अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क की तरफ रवाना हो गए कि हमारा अल्लाह राजी हो जाए, हमारे मुतफा राजी हो जाए। फिर से कहेंगे कि आप कौन हैं, जब वो सुनेंगे तो परेशान महाजरी नीचे गिर जाएंगे, घुटने नीचे लगा लेंगे, अल्लाह ताला इन परेशान लोगों के लिए नूर के सोने के पर अता फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा अगर नहीं खोलते तो ना खोलो, और जिन्होंने हमारे लिए ये हिजरत की आइए पर मैं अता करता हूँ, उड़ के मेरी जन्नत में चले जाओ, उड़ के मेरी जन्नत में चले जाओ। अल्लाह ताला बड़े बड़े बहाने हैं जाने के लिए, मुसलमान को भेजने के लिए, और तू तौबा तो करके देख, अल्लाह का बनकर तो देख, भाई अल्लाह के दरबार में आ तो सही, भाई अपने आंसू को हा तो सही, कुरान अल्लाह का पढ़ तो सही, भाई अल्लाह के हुजूर में अपना माथा एक बार और रख, अल्लाह के वली थे वो जा रहे थे, क्या हुआ एक शराबी नशेई बंदा बड़े बुरे हाल में, और वो नहर के पास गंदी नाली में अपना मुंह ऐसे रख के सोया हुआ है, और उसके लावे दहन और गंदी नाली का पानी एक
हुआ हुआ है। उसने कहा मौला करीम इसको खैर कर दे, इसके खाते में खैर अता कर दे। उसको उठाया, उसका मुंह धुलाया और कहा बंदा अल्लाह का बंदा बन, अल्लाह की रहमत आ रही है। और क्या हुआ, इतना किया फजर की अजान अल्लाहु अकबर, और जब वो अल्लाह का वली मस्जिद में जाने के लिए नमाज अदा करने के लिए चले, देखा वो रात की नाली वाला शराबी पहली सफ में बैठा हुआ। माहे सयाम का इस्तकबाल में बैठने वालों, अपनी तवज्जो के जाविये जरा मेरी तरफ कीजिए। अल्लाह की रहमत का और बहुत बड़ा पैगाम सुनाने लगा हूँ। अल्लाह की रहमत का कोई किनारा नहीं है। अब जब कोई प्यारा मेहमान आता है तो वो घर वाला मेहमान की खातर अपने मुलाजिम को कहता है उठो खाना खिलाओ, तो जब वो रात को बेचारा उठता है अपने मालिक की रजा के लिए मेहमानों को खाना खिलाता है, तो कभी कभी घर वाला कहता है मैंने तुझे तकलीफ दी है कि आज रात तूने उठ के मेरे मेहमानों की मेहमान नवाजी की है और खाना अच्छा पकाया है, आज मुझे खुशी हुई है, मांग मुझसे क्या मांगता है, मांग मुझसे क्या। ये दुनिया का एक तरीका है। मिसाल के तौर पर हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जब आपके मेहमान आए तो आपने अपने नान भाई को बुलाया और कहा मेरे मेहमान आए हैं, आधी रात का वक्त है, उनके लिए खाना तैयार करो। वो बड़ी हिम्मत के साथ उठा, मेरे मालिक के मेहमान आए हैं, चलो खुशी की बात है, आटा गूंदा, रोटी पकाई, सालन पकाया, पेश कर दिया। अल्लाह के मेहमान वो जो हजरत बाकी बिल्ला के मेहमान थे बड़े खुश हुए, मेहमान चले गए। हजरत बाकी बिल्ला ने फरमाया मेरे मुलाजिम, ऐ मेरे नौकर बोल तू आज क्या मांगता है, मैं तुझे कुछ अता करना चाहता हूँ, तुझे अता करना चाहता हूँ। तो वो कहता है हुजूर अगर देना है मुझे भी बाकी बिल्ला ही बना दे, मुझे भी बाकी बिल्ला ही बना दे। आपने उसका बाजू पकड़ा और कमरे में ले गए, कमरे में ले गए, कुछ अरसा वहां रहे। जब बाहर निकले तो दुनिया वालों को ये पता नहीं चलता था कि बाकी बिल्ला असल कौन है और नकल कौन है। बस एक फर्क था, जो असल बाकी बिल्ला थे वो होशो हवास में थे और जो नकल बाकी बिल्ला थे वो गिरकर बेहोश हो रहे थे। क्यों, उनके दिल पे तो हर वक्त अनवारों के जल्दियात बरसते रहते थे, उनका दिल बड़ा मजबूत था, जो अभी बने हैं वो बर्दाश्त ना कर सके, वो गिर गए। तो सामने किराम खुशी खुशी के साथ अपने नौकरों को वो क्या है तोहफे अता करता है। आज अल्लाह का मेहमान हमारे पास आ रहा है, अल्लाह का रमजान हमारे पास आ रहा है, या मौला हमने तेरी नौकरी करनी है, तेरे मेहमान को राजी करना है, माहे रमजान को वो क्या है राजी करना है, या मौला करीम हमने तेरे मेहमान को राजी किया रोजे रख के, तो तू इस खुशी में हमें क्या अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा और दुनिया वाला अपने मुलाजिम को अपनी तौफीक के साथ उसकी उजरत डबल कर देता है, उसको ज्यादा अता कर देता है, जहां 10,000 वहां 20,000 तनख्वाह कर देता है। अल्लाह फरमाता है आ मैं भी मुसलमान तेरे लिए कुछ रखा हुआ, मौला हमने तेरे मेहमान को राजी किया, तू हमें क्या अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब अता फरमाने वाला मुसलमानों जागो, कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह फरमाता है फर्ज एक पढ़ो रमजान में 70 फर्जों का सवाब अता करो, इतनी बड़ी खुशखबरी मुसलमान के लिए सुभान। और फरमाया नफल पढ़ो फर्जों के बराबर सवाब अता करूंगा, और जो फर्ज पढ़ता है अल्लाह 70 फर्जों के बराबर सवाब अता करूंगा। अल्लाह ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला ये दोनों ये हदीस पाक लेकर आए हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अस्सयाम वल कुरान यशफान, कयामत के दिन रोजा भी और कुरान भी,
अपने मानने वालों की शिफात करेंगे, अपने मानने वालों की शिफात करेंगे। कुरान ये कहेगा कि ये मुझे पढ़ता रहा है, मैं उसे जगाता रहा हूँ, और रोजा ये कहेगा मौला ये भूखा रहा है, इसकी मेरे इसके हक में मैं शिफात करता हूँ, शिफात कबूल कर। तो मेरे हुजूर ने फरमाया वो इतना कहेंगे फा युशफा आन, अल्लाह ताला दोनों की शिफात कबूल फरमाएगा। ये कुरान भी जन्नत में जा रहा होगा और माह सयाम का रोजा रखने वाला भी जन्नत में जा रहा है। ये दोनों मेहमान, यहाँ से हमारे दर्स का आगाज हुआ था, अल्लाह ताला ने इस बाबरकत महीने में यकदम दो मेहमान, एक रमजान है और दूसरा कुरान है, भेजने वाला रहमान है और वसूल करने वाला बड़ा जीशान है। ये दो कोफी अता फरमाए, दो कोफी शिफात करेंगे। अब एक और बात सुनिए, रमजान में कुरान हमने जरूर पढ़ना है, इंशाल्लाह कह सकते हैं इंशाल्लाह रमजान में कुरान तैयारी कर लें, अल्लाह से तौफीक मांगे। एक साहब ने पता क्या तौफीक मांगे थे, अल्लाह के वली थे, उन्होंने हाथ उठा के दुआ की, तवज्जो से सुनिए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन कुंता वो दूसरी दीवार के साथ लग गया, उनकी एक ईंट गिर गई, ईंट गिर गई। तो जब वो कब्र बनाने वालों ने ईंट के अंदर से देखा तो साहिबे कब्र अल्लाह की नमाज अदा फरमा, अल्लाह की नमाज अदा फरमा। पता ये चला मुसलमानों की कब्रों को ऐन मिलिया मेट और बराबर करने वालों के लिए पैगाम है, हर एक कब्र को बराबर ना करो, कब्र में जाने वाले जिंदा भी पास बैठे होते हैं। अल्लाह उनके घर वालों से पूछा ये तुम्हारे साहिब तो नमाज अदा कर रहे हैं, क्या मामला बना? वो कहते हैं दुआ मांगा करते थे। ये मेरे साहिब क्या करते, एक दुआ मांगा करते थे। वो कौन सी दुआ? वो घर वाले कहते हैं ये कहते थे अल्लाहुम्मा इन कुंता आतैता अहदन मिन खल्किका अस्सलात फी कब्रिही फआतीनीहा, या मौला मखलूक से अगर तू किसी को कब्र के अंदर भी नमाज की तौफीक अता फरमानी है तो मौला मुझे भी अता फरमाना, अल्लाह ने मुझे भी तौफीक अता फरमाई। तो बंदा तो बन, अल्लाह का कुरान जो पढ़, अल्लाह ताला के रमजान का इस्तकबाल तो कर, अल्लाह तुझे भी जिंदगी अता फरमा दे। तो पता ये चला जो कब्र में, ये भी नजरिया है ना कि कब्र में जाने वाला हर फौत हो गया, मुर्दा हो गया, हड्डियां खत्म हो गई, ये अकीदा नजरिया बिल्कुल गलत है, ये मुसलमान का अकीदा नहीं है। आइए मैं आपको बताने लगा हूँ, ये हदीस पाक मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, एक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, सुनिए जरा तवज्जो के साथ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते एक साहिब थे, वो सफर कर रहे थे, रास्ते में खैमा लगाया, तवील सफर था, कहते चलो आराम करने के लिए थोड़ा पड़ाव डालते। जब खैमा लगाया तो टेक लगा के सोने लगे तो नीचे से आवाज आई तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। कब्र से आवाज आ रही, वो लेटने वाले उठ गए, मुझे तो लगता है यहाँ कब्र है और कब्र वाले को अल्लाह ने सूरह मुल्क पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। सफर मुकम्मल किया, खैमा उठाया आगे मुस्तफा के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिर्मिज़ी शरीफ के पास, या रसूल सल्लम ये मैंने आज अजीब वाक्य देखा, मुझे नहीं पता था कि नीचे कब्र है और ये भी नहीं पता था कि कब्र वाला जिंदा है। उसके लिए फिदिया का एक हमारी शरीयत ने ये सूरत निकाली होगी,
वो अपना एक फितराना, जिस तरह ईद उल फितर पर एक फितराना एक साहिब की तरफ से और पूरी फैमिली के हर फर्द की तरफ से फितराना दिया जाता है, बिल्कुल वही मिकदार में जो रोजा बूढ़ा, इतना बूढ़ा बनता है बीमार हो गया रोजा नहीं रख सकता, उसके लिए ये फितराना है जिसको फिदिया बोलते हैं, और वो शरीयत ने 2 किलो और 80 ग्राम की गंदम लिखी हुई है, 2 किलो और 80 ग्राम की गंदम, ये एक फितराना बना। तो एक रोजा जो ना रखे, मतलब जो एक रोजा रखने की ताकत ना रखे, वो इतना फितराना अदा करे तो उसकी तरफ से अल्लाह ताला ये फिदिया कबूल फरमा लेगा। तो लिहाजा जिसने रमजान शरीफ के रोजे वो नहीं रख सकेगा, वो इस रेशो के लिहाज से अपने पूरे रमजान के फितरे निकाल ले और 30 दिनों के फितरे निकाल ले। वैसे भी वो मुफ्ती मुनीब साहब ऐलान फरमा दिया करते हैं कि इतना जो फिदिया है रमजान का, एक दिन का हिसाब लगा ले और फिर 30 दिनों का हिसाब लगा ले, तो वो इतनी रकम किसी गरीब को दे दे तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से वो फिदिया फरमा ले। तो सामने के नाम आखिरी बात सुनाने की वो ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ नेकी करनी है वहाँ बदी से रुकना भी है, वहाँ बदी से रुकना भी है। एक मरीज डॉक्टर या हकीम के पास जाता है, वो नब्ज पे हाथ रख के पता क्या कहता है, मैं दवाई ते दे देना वा लेकिन ऐना ऐना शैमा तो बचना भी है, ऐना ऐना शैमा तो बचने, फिर जो दवाई ने फायदा देना। सामने किराम वो मरने को तो मर जाएगा लेकिन डॉक्टर की बताई हुई परहेज से अमल करेगा, ऐनी खानी, मैंने हकीम ने मना किया, मैं बड़ा बोझ नहीं खाना, मेरे डॉक्टर ने मना किया, मैं ऐसे स्पाइसी नहीं खानी, आप पापड़ फुले मैंने नहीं खाने, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। अरे डॉक्टर के कहने पर तो हलाल की चीजें छोड़ के बैठा हुआ है, क्यों? तुझे जान का खतरा है। मेरे मुस्तफा ने फरमा शराब ना पी, तेरे ईमान का खतरा है। डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़े बैठा है, मेरे मुस्तफा के कहने पे हराम नहीं छोड़ रहा, कैसा मुसलमान है तू? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने फरमा शराब नहीं पीनी या शराब जैसी कोई भी चीज हो वो नहीं पीनी। अरे डॉक्टर के पास इतना इल्म नहीं जितना अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म अता फरमाया। तो तौबा कर, सच्चा पक्का मुसलमान बन, जिस चीज से मेरे मुस्तफा ने रोका है रुक जा। अल्लाह ने बकायदा कुरान नाज़िल फरमा, वमा अताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो चीज मेरे मुस्तफा अता करे वो ले लिया करो, और जिससे मना करे उससे रुक जाया करो। दूसरी बात सुने, मेरे हुजूर के पास एक ऐसा बंदा आया जिसके हाथ में एक पीतल का कड़ा था, पीतल का कड़ा। आज भी मुसलमानों के जो जिसको मैं देखता हूँ तो मैं कह देता यार बंदे है लाल शरीयत के खिलाफ, बड़ी आदमी नाराज ही हो जाऊंगा थोड़ी देर वास्ते, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जतें रखी है वो नाराज नहीं होते कि शाजी कह दे लाला यार, अल्लाह ने तो फीके पर्दे रखे, अल्लाह ने इज्जत रखी है। तो सामने कह रहा हम कह देना, जहाँ बुराई होना वहां कह देना चाहिए। मेरे हुजूर के पास ऐसा बंदा है जिसके हाथ में कड़ा था, पीतल का कड़ा था, उन्होंने ये नहीं कहना कि उतने पीतल का पालन नहीं, विचो राह नहीं करना, कड़ा मना है मत के लिए कड़ा मना है। तो सरकार के सामने वो बंदा आ गया, तो आपने फरमाया कि है क्यों पड़ा? उन्होंने कहा जी हुजूर मैं बीमारी दो, मैं बीमारी की वजह से बीमारी दूर हो जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी बीमारी में इजाफे होना मत, घाटा कोई नहीं होना, ये बदवा की मेरे हुजूर। तो हुजूर के नौजवानों बंदे बन जाओ, ये कड़ा नहीं पहना हमने, और जी मैं फलां दरबार को लेके आया, वो मेरे हुजूर ये दरबार तो बड़ा दरबार है कोई, एक कितना भी शरीर को आज मैं फलां दरबार को लेके आया, और मेरे हुजूर ने तो फरमाया जिसने ये बीमारी के लिए मैं कड़ा पहना वो भी बीमारी बद रही है। अल्लाह अकबर। एक और पास है मेरे हुजूर, ये हम लोग जो मुसलमान है ये ईसाइयों से ऐसे हिंदू से दम तबीज करवाते हैं, ना कौन सा बदाम ये भी सरकार के जैसे पास, और जी वो तो गुस्साई को बड़ा आराम होता है, और जड़े साइयां को आज तक गए ना तौबा करो खुदा ना खास्ता कुफर ते ना मर जाए,
हदीस पाक का मफहूम है ये। वो जी उस अजाब की तरह मजा बन गया, शिफा हो गई। मेरे जो ने फरमाया वो जो काफिर दम करता है, यहूदी दम करता है, उसमें एक शैतान की तरफ से एक उसमें काम रखा हुआ। वो काम क्या है? मुसलमान बंदे को आगे शैतान ऐसे चुटकी करता, चुंडी पाता, चुंडी ये उन होगी दर्द। वो कहता हाय दर्द, वो दर्द मुसलमाना को नहीं भी हटनी, वो यहूदियां ते ईसाइयां को नहीं हटनी, क्यों? वो लवाई भी होना नहीं। तो मेरे हजूर ने फरमाया वो चुटकी काटता रहता है, वो दर्द होते रहते, जब ईसाई गूंज मारता है वो शैतान छोड़ देता है। वो तो बंदा कहता है यार ये गूंज बड़ा आराम है, हालांकि तुझे इतना नहीं पता कि अगर तू काफिर होके मर गया तो ये तेरा जिम्मेदार है। मुसलमानों बंदे बन जाओ, ये सरकार ने मना फरमा दिया हुआ है। अगर दम तमीज करना है तो वो ले ले जिसकी सरकार ने रहनुमाई फरमाई हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फलक और नास पढ़ के अपने ऊपर भी दम किया करते थे, और वो एक कलिमात है मादत शैतान वाले। तो सरकार ये दम करके आपका हसन और हुसैन को फूके मारा करते थे। वो दम तभी सिर्फ जायज है, शरीयत ने जायज करा दिया। तो ये आकर मैंने ये चीज आपको बयान की है, जहां नेकी करनी है वहां बुराई से रुकना भी है अल्लाह ताला के दरबार में। अच्छा एक ऐलान पे समाप्त फरमा लें आज की नफिल पाक में।